नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 9 नवंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करना है और जब तक मैं अटल जी के सपनों को पूरा नहीं करूँगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। आजादी के इतने साल के बाद पहले भी चुनाव होते थे, पहले भी राजनेता आते थे, सरकारें पहले भी बनती थी, लेकिन उन सरकारों की सोच यही रहती थी मेरा तेरा, अपना पराया, मेरी जात वाला, मेरी बिरादरी वाला, मेरे इलाके वाला, मेरा रिश्तेदार, मेरा परिवार, सारा उनका कारोबार इसी के आसपास चलता था। और आज भी इन दल के नेता हो, इन दलों का कार्यकलाप हो, अपने एक सीमित क्षेत्र की भलाई करना ही उनका उद्देश्य रहता था, ताकि उनका कुनबा बना रहे, वोट की पेटियां भरता रहे और उनकी दुनिया चलती रहे। हमने आकर के स्थितियों को बदल दिया है। अपना पराया नहीं, मेरा तेरा नहीं, मेरी जाति तेरी जाति भेदभाव नहीं, शहर और गांव में भेदभाव नहीं, दलित पीड़ित शोषित वंचित आदिवासी में भेदभाव नहीं, पुरुष और स्त्री में भेदभाव नहीं, युवा और बुजुर्ग में भेदभाव नहीं। इन भेदभाव की दीवारों को खत्म करके एक ही मंत्र लेकर के हम चले हैं, सबका साथ सबका विकास। हमें साथ भी सबका चाहिए और हमें विकास भी सबका करना है। मेरे तेरे का खेल अब देश के अंदर कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज अभी रमन सिंह ढेर सारी योजनाएं बता रहे थे, इतने रोड बन गए, इतने रेल बन गए, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, ये कैसे हुआ भाई? लोगों को आश्चर्य होता है। सरकारें तो पहले भी होती थी लेकिन इतने सारे काम क्यों नहीं होते थे? कहीं पर भी नजर डालो, कोई न कोई विकास का काम हो रहा है। इसका कारण एक ही है, पैसे पहले भी थे, योजनाएं पहले भी थी, लेकिन कारोबार बिचौलियों के हाथ में था और इसलिए नीचे कुछ पहुंचता नहीं था। हमने इन बिचौलियों को खत्म किया और रास्ता साफ कर दिया, आपके हक का आपको मिल रहा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके विकास के लिए जब हम लगातार इसी एक मंत्र को लेकर के काम कर रहे हैं, बालक गरीब का बच्चा मां के गर्भ में हो, वहां से लेकर के जन्म के समय हो, शिशु काल हो, आंगनवाड़ी जाने की उम्र हो, स्कूल में पढ़ाई की उम्र हो, कॉलेज में पढ़ाई की उम्र हो, स्किल डेवलपमेंट का काम करने की ताकत आई हो, रोजगार के अवसर आए हो, शादी का अवसर आया हो, घर बनाने का अवसर आया हो, खेती बाड़ी में कोई व्यवस्था की आवश्यकता हो,
बुढ़ापे की ओर जाना हो, कोई जीवन का कार्यकाल ऐसा नहीं है कि जिसमें हमारी सरकार आपका हाथ पकड़ करके आपकी मदद न करती हो, आपके साथ खड़ी न रहती हो। आप बिल्कुल गर्भाधान से लेकर के आप मृत्यु तक पहुंचने की पूरी यात्रा को देख लीजिए, हर काम में कहीं ना कहीं सरकार आपके साथ खड़ी होती है, आपकी चिंता करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने प्रारंभ में कहा, मैं बार बार आया हूं आपके पास, कुछ न कुछ इस क्षेत्र के विकास की बात लेकर के आया हूं, योजना लेकर के आया हूं। और उसी का परिणाम है कि कल तक जो सोचते भी नहीं सकते थे पुरानी सरकारों में, और कभी विकास नहीं करते थे तो नक्सल और माओवादियों का नाम देते देते वहां हो नहीं सकता है, हमने तय किया होगा वहां भी होगा। जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में ये राक्षसी मनोवृत्ति के लोग बंदूक पकड़ा देते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, उनके मां बाप के सपनों को तबाह कर देते हैं। जो स्कूल में आग लगा दे वो राक्षसी मनोवृत्ति नहीं है तो क्या है? जो अस्पतालों में डॉक्टरों को काम न कर देते वो राक्षसी मनोवृत्ति नहीं है तो क्या है? और आपने देखा होगा जो अर्बन माओवादी है वो शहरों में एयर कंडीशन घरों में रहते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं, अच्छे खासे लोगों में बैठने उठने का अपना एक रुतबा बनाते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन वहां बैठे बैठे रिमोट सिस्टम से हमारे इन आदिवासी बच्चों की जिंदगी तबाह करने का ये काम करते हैं। और एक ऐसी जमात इस चुनाव में लड़ रहे कांग्रेस के लोग जवाब दें कि आप उन अर्बन माओवादियों की रक्षा के लिए बयानबाजी करते हो, उनके खिलाफ अगर सरकार कानूनी कार्रवाई करे तो आप उनको बचाने के लिए मैदान में आते हो, और यहां आकर के नक्सलवाद के खिलाफ ढूलमूल बातें कर करके वोट तराशते हो, क्या ऐसे लोगों को माफ करेंगे क्या? ऐसे लोगों को माफ करेंगे क्या? आपकी जिंदगी बर्बाद करने वालों को माफ करेंगे क्या? क्या ऐसे लोगों को फिर छत्तीसगढ़ की धरती पर घुसने देंगे क्या? हमने बस्तर बचाना है कि नहीं बचाना है? हमें बस्तर बदलना है कि नहीं बदलना है? हमें नया बस्तर बनाना है कि नहीं बनाना है? हमें बस्तर के हर नौजवान का भविष्य बदलना है कि नहीं बदलना है? हमें बस्तर की माताओं बहनों का भविष्य बदलना है कि नहीं बदलना है? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, बस्तर की धरती पर सभी सीटों पर सिर्फ और सिर्फ कमल ही खिलना चाहिए। अगर और कोई आ गया छत्तीसगढ़ में तो आने वाला एक तो है ही नहीं, लेकिन बस्तर के किसी कोने में आ गया तो वो पूरे बस्तर के सपनों में दाग लगा देंगे, दाग लगा देंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करना है, और जो सपने अटल जी ने देखे थे ना
उसको पूरा करने के लिए बार बार छत्तीसगढ़ आया हूँ, बार बार बस्तर की धरती पर आया हूँ और आज भी उस संकल्प को दोबारा आपके सामने दोहराने आया हूँ कि मैं अटल जी के सपने पूरे नहीं करूंगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं। और इसलिए मेरे भाई भाइयों बहनों, आज मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपन मन के गुहार करे से कि भारतीय जनता पार्टी जो जमाए प्रत्याशी मन के कमल छाप में वोट दे उन भारती जीता है। भाइयों बहनों, अब हमारा छत्तीसगढ़ 18 साल का हो गया है। 18 साल की उम्र तक घर में भी बच्चे को जो जरूरतें होती है उसका प्रकार अलग होता है, लेकिन 18 के बाद घर में बेटा हो या बेटी, उसकी जरूरतें बदल जाती है, उसकी आवश्यकताएं बदल जाती है। मां बाप को भी अगर वो समझदार है तो 18 साल के बाद बच्चों के साथ उनकी आवश्यकता के अनुसार अपने बजट में भी खर्च बदलना पड़ता है। उनको बाहर यार दोस्तों में जाना होता है तो बच्चों के लिए माँ बाप सोचते हैं चलो हम इस साल कपड़े नहीं बनवाएंगे लेकिन बेटे के लिए एक अच्छा शर्ट ले आएंगे क्योंकि अपने दोस्तों में उसका अच्छा ही छवि रहे। बेटी को भी कहते हैं बेटी को ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, शादी से पहले उसको ऐसे ऐसे तैयार करेंगे। हर घर में 18 साल का बेटा और बेटी हो तो घर के सारे सपने उन 18 साल के बच्चों के लिए बुनने शुरू हो जाते हैं। भाइयों बहनों, जब छत्तीसगढ़ 18 साल का हुआ है तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार भी ये 18 साल की उम्र वाले छत्तीसगढ़ के सपनों को बुनने में लगी हुई है। आपके 18 साल की उम्र के सपने अलग होते हैं और उसको समझ करके आपके लिए काम करना ये हमने बीड़ा उठाया है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, 18 साल के बाद की जो यात्रा है वो तेज गति से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चारों दिशाओं में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? इस काम के लिए रमन सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मोदी चलना चाहता है और अटल बिहारी वाजपेयी के सपने पूरे करना चाहता है। भाइयों बहनों, जब मध्य प्रदेश का हिस्सा थे हम, अटल जी ने देखा ये कांग्रेस सरकार जो मध्य प्रदेश में इतने सालों तक राज्य किया और छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा था, लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ता था। रात को घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, बेटे आंसू पी के सोएंगे कि कुछ खा पी करके सोएंगे, ये भी चिंता सताती थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को देखते हुए, बस्तर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को देखते हुए वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया।